हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कॉलेज के लिए निकले थे घर से, और कॉलेज पहुंचे तो फिर लोगों ने अंदर एंट्री ना ली, क्योंकि हमारे पास आईडी कार्ड ना, तो और आईडी कार्ड नहीं है तो, क्योंकि आज ही इतनी सख्ती देखी जा रही है। हमारे ख्याल से पहले कोई दिक्कत ना आई, लेकिन अब पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है गई है। मेरे ख्याल से फीस की वजह से, क्योंकि फीस जमा है जिनकी, बिन कोई आईडी कार्ड बना रहे हैं जो लोग। और आईडी कार्ड हमारो बंद तो गए, लेकिन हम घर पे भूले आए, तो अब वो ही लेवे के लिए घर पे वापस जा रहे हैं। और क्लास तो नहीं है आज यार, लेकिन एक क्लास छूट जाएगी, तो अब घर पे आईडी कार्ड लेवे के लिए जा रहे हैं हम। आईडी कार्ड यार हमारो बंद तो गए, लेकिन यार बाद में घर पे गए थे तो आईडी कार्ड हम दूसरे बैग में भूले गए, क्योंकि घर पे गए थे। और आईडी कार्ड हम झांसी की वजह से डाल के चलते हैं, क्योंकि प्राइवेट बस में ना किराया ना लगाता है, ये किराया कम मांगते हैं वो, और आईडी कार्ड की वजह से जा सो फायदा है। पीछे गाड़ी का टक्कर मारेगी, हमने टक्कर ना मारेगी यार। यार आईडी कार्ड से एक तो फायदा है, और वो फायदा आप लोगों ने बहुत उठाओ है वो, क्योंकि प्राइवेट बस में ना किराया ना लेता है, क्योंकि मैंने बताया पढ़वे वालों स्टूडेंट है और इनसे किराया का लेंगे, 10-5 रुपये दे दो बस वही चलते है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों ने कितनों, मतलब अपने घर पे जात होंगे तो क्या पैसा लेते हैं वे लोग, कमेंट करके हमें बताओ, ठीक है। और बाकी को हम आईडी कार्ड अपने घर पे ले भी जा रहे हैं, और सामने लग रही हमें एक्सीडेंट है वो, क्योंकि हाईवे आप लोग देख रहे हो, इतना बड़ा हाईवे है तो एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं छोटे बहुत। तो पहुँच रहे हैं तब दिखा रहे हैं आप लोगों को एक्सीडेंट वो कहाँ है वो, यहीं पर हमें लग रहा हो तो यार एक्सीडेंट है वो, लेकिन एक्सीडेंट ना हो, वो खड़े हैं लोग भाई, इकट्ठे है गए। तो ये देखो हम घर पर पहुंच चुके हैं, बाकी को हम कॉलेज में जवालू बैग ले गए थे, और जवाली बैग में हमारा आईडी कार्ड रखो, तो ये देखो ये हमारा आईडी कार्ड, बस जाके वजह से कॉलेज में एंट्री ना रही हमारी, तो अब जा रहे हैं हम जा डाल के गले में, तब तो देखेंगे एंट्री। आप लोगों को बताए थे हम पहली बार आईडी कार्ड अपने घर पे भूले थे, और क्योंकि यार घर पे गए थे गांव में तो बैग में रखो रहेगा वो। तो ये देखो इतना बड़े होटल है, कितनी एसी लगी है यहाँ में। ये है मेन रोड, बालाजी बाबा के दर्शन करवे के लिए इधर से आता है हाईवे की तरफ से, और आज पूरा रोड खाली पड़ो है, लेकिन आज ही दर्शन होते हैं, आज आज है शनिचर है आज। ये देखो गेस्ट हाउस, जहाँ मैं काउदिन खावे के लिए आएंगे रात में दावत, बिना निमंत्रण के आएंगे काउदिन दावत खावे के लिए, जहाँ में काफ़ी अच्छो अनुभव है यार। और आज है शनिवार, ताकि जैसे मंदिर आज के दिन वही लोग आते हैं जो लोग भूत प्रेत मानते हैं, और भूत प्रेत वैसे मेरे ख्याल से होते ना हैं, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर कोई भी आदमी है तो भाई अगर दिमाग की दिक्कत है तो वो मंदिर में आएगी ठीक ना होएगी भाई, अगर आप लोग डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में कोई ऐसी भूत प्रेत चीज़ें होती नहीं है यार। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, क्योंकि अगर आपके घर में परिवार में कोई भी आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम है माइंड की, तो भाई डॉक्टर के पास ले जाओ, मंदिर में कोई हल ना निकलता यार। ये भगत ही वगैरह करा के हैं, जितने भी लोग भगत वाले इनके चक्कर में पड़े जाते हैं, इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जो चीज़ मंदिर में ठीक नहीं होती है डॉक्टर के पास ले जाया करो, ठीक है।